पड़ने के साथ साथ माथे पर और आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगती हैं, जिस वजह से चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। ढीली त्वचा पर झुर्रियां जल्दी आती हैं। झुर्रियां से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग दवा और तरह तरह की क्रीम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग झुर्रियों का इलाज करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लेकिन इन सबके अलावा आप अपनी झुर्रियों का इलाज घर बैठे मुफ्त में कर सकते हैं, वो भी सिर्फ घरेलू नुस्खों से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए अब नजर डालते हैं कुछ घरेलू उपायों पर। पहला उपाय, नींबू का रस मलाई में मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद इसे अच्छे से धो लें। इस घरेलू नुस्खे से त्वचा मुलायम होती है और झुर्रियां खत्म होती हैं। दूसरा उपाय, रुई के फोहे कच्चे दूध में भिगोकर गर्दन और चेहरे पर लगाएं, फिर 10 से 15 मिनट के बाद चेहरा ठंडा पानी से धो लें। तीसरा उपाय, रात को उड़द की दाल दूध में भिगोकर रख दें और अगले दिन इसे सुबह पीसकर इसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं। इस लेप के प्रयोग से फेस पर ग्लो आता है। चौथा उपाय, टमाटर चेहरे की झुर्रियां हटाने का असरदार उपाय है, क्योंकि टमाटर में एंटी एजिंग गुण मौजूद होते हैं। टमाटर काटकर चेहरे पर लगाएं, फिर हाथों से इसे चेहरे की पर मसाज करें। यह नुस्खा स्किन टोनिंग का भी काम करता है। तो जल्दी से कोई भी नुस्खा इसमें से चुनिए और अपने चेहरे को झुर्रियों से मुक्त दिलाएं। अभी के लिए बस इतना ही, और अन्य आयुर्वेदिक नुस्खे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।